Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel English with Rihanna. Learn and grow. Hope you're all doing great. So let's see what are today's topic for learning. Then versus then. जी हाँ, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन देन वर्सेज देन. इन दोनों के बीच में जो सबसे पहला और वाज़े फ़र्क है वो है इनकी प्रोनाउंसिएशन का. जी हाँ, इनकी आवाज़ों का. बेसिकली लोग दोनों को एक ही आवाज़ के साथ पढ़ते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ में एक थोड़ा सा फ़र्क है. वो ये है कि टी एच ई एन देन को हम देन नॉर्मली पढ़ते हैं, लेकिन टी एच ई ए एन देन को हम लोग देन यानी कि थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं, और यही इनकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है. मज़ीद आगे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा. तो चलिए हम अपने चैप्टर का आगाज़ करते हैं. देन, जिसकी उर्दू की मीनिंग है फिर, तब या उस वक्त वगैरह. इट इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब. ये हमारे सेंटेंसेस में बतौर फ़ेल मुतल्लिक इस्तेमाल होता है. अभी अभी हमने प्रीवियस पेज में पढ़ा कि देन का इस्तेमाल हमारे सेंटेंसेस में बतौर फ़ेल मुतल्लिक यानी कि एडवर्ब के तौर पे होता है. तो एडवर्ब की तो बहुत सारी काइंड्स हैं, तो एडवर्ब की कौन सी किस्म यहाँ पे इस्तेमाल होती है, तो वो तो आप यहाँ पे देख के ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम का जिक्र होता है. एडवर्ब ऑफ टाइम में आपने देखा होगा कि देन का इस्तेमाल दो जगह में होता है. एक जगह में पास्ट में यानी कि जब हम माजी की कोई बात का जिक्र कर रहे होते हैं, या फिर फ्यूचर में यानी कि जब हम फ्यूचर से रिलेटेड कोई बात का जिक्र कर रहे हों, तो उनमें हम अपने सेंटेंसेस में टी एच ई एन देन का इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पे, जब मैं बाहर गया उस वक्त तुम कितने साल के थे. When I went to abroad, what age were you then? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक माजी से रिलेटेड बात हो रही है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा है. तो यहाँ पे मैं अपने सेंटेंसेस में अगर उस वक्त का जिक्र आ रहा हो यानी कि माजी से रिलेटेड वक्त की बात हो रही है, तो तब हम अपने सेंटेंस में देन का इस्तेमाल कर रहे हैं. नेक्स्ट इज जब हम फ्यूचर के वक्त की जिक्र कर रहे हो. मिसाल के तौर पे, इस हफ्ते जब आपको अपनी पहली अदायगी मिल जाएगी, उस वक्त आप मुझे रात के खाने पर कहाँ ले जाएंगे. दिस वीक व्हेन यू विल गोइंग टू रिसीव योर फर्स्ट पेमेंट, वेयर विल यू गोइंग टू टेक मी फॉर डिनर देन. अब यहाँ पे एक फ्यूचर की बात हो रही है कि अभी सैलरी मिली नहीं है, मिलेगी, फिर आप मुझे कहाँ लेके जाएंगे उस वक्त. और यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि जब हम अपनी माजी या फिर मुस्तकबिल के बातों में वक्त का जिक्र कर रहे हों, तो तब हम अपने सेंटेंसेस में टी एच ई एन देन का इस्तेमाल कर सकते हैं. और इसके अलावा देन का इस्तेमाल, उसकी प्लेस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मिड में ही हो, वो हमारे सेंटेंस के हिसाब से अपनी जगह लेती है. देन की सेकेंड डेफिनेशन है, इट इज़ यूज्ड आइदर टू शो अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और अ सेंस ऑफ टाइम. ये या तो वाकयात की तरतीब या वक्त का एहसास जाहिर करने के लिए होता है. देन, जिसकी उर्दू की मीनिंग है फिर या तब, ये सेंटेंसेस में हमारे नेक्स्ट के तौर पे यूज होते हैं. नेक्स्ट के तौर पे यानी कि पहले एक काम होगा तभी फिर वो काम होगा, तो नेक्स्ट के तौर पे इस्तेमाल होने का मतलब ये होता है. मिसाल के तौर पे, अगर तुमने पूरे नंबर हासिल किए तो मैं तुम्हें कार खरीद दूंगा. इफ़ यू गेट फुल मार्क्स देन आई विल बाई यू अ कार, यानी कि इसके लिए आपको पहले फुल मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आपको कार मिलेगी. तो एक काम तब होगा जब आप ये काम पूरा करके देंगे. तो ऐसे जुमलों के लिए भी हम अपने सेंटेंसेस में टी एच ई एन देन यानी कि फिर का इस्तेमाल करते हैं. और यही बात हमारे प्रीवियस फेज की अभी डेफिनेशन जो मैंने पढ़ी है उसमें बताई गई, यानी कि वाकयात या इवेंट्स को तरतीब देने के लिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस इज, अपना होमवर्क मुकम्मल करें फिर हम रात के खाने के लिए बाहर जाएंगे. फिनिश योर होमवर्क देन वी विल गो आउट फॉर डिनर. अब यहाँ पे पहली एक कंडीशन रख दी गई है कि पहले आपने होमवर्क कंप्लीट करना होगा फिर हम कहीं बाहर जाएंगे. देन, जिसकी उर्दू की मीनिंग है फिर, इसका इस्तेमाल हमारे सेंटेंसेस में एडिशन के तौर पर होता है. एडिशन के तौर पे, जी हाँ, जब हमारे जुमले में एक बात हो रही हो और उसी बात के साथ मजीद कोई दूसरी बात का भी इजाफा हो रहा हो या बात बताई जानी हो, तब भी हम अपने सेंटेंस में देन का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं. मिसाल के तौर पे, ये हमारा बेडरूम है और फिर हमारे यहाँ नीचे दो मजीद बेडरूम हैं, यानी हेयर इज़ आर बेडरूम एंड देन वी हैव टू मोर बेडरूम्स डाउन हेयर. यानी कि एक बेडरूम पहले से हमारे पास मौजूद है लेकिन मजीद दो बेडरूम्स हमारे पास नीचे भी मौजूद हैं. तो यहाँ भी किसी चीज़ की इजाफे की
बात को बताए जाने को भी हम सेंटेंस के बीच में देन का इस्तेमाल करते हैं। बालों का इलाज पहले ही महंगा है और फिर इलाज के बाद भी खर्च आता है। हेयर ट्रीटमेंट इज ऑलरेडी एक्सपेंसिव एंड देन देयर इज अ कॉस्ट ऑफ आफ्टर ट्रीटमेंट टू। यानी कि सेंटेंस ये बताया जा रहा है कि बालों का ट्रीटमेंट करना ही खाली काफ़ी नहीं है और उसमें ही खाली एक्सपेंस या खर्चा नहीं होगा, उस ट्रीटमेंट के बाद इन बालों की जो केयर करनी पड़ेगी उसमें भी अच्छा खासा खर्चा आना है। तो ऐसे ही एडिशनल बातों को बयान करने के लिए हम अपने सेंटेंसेस में देन का इस्तेमाल करते हैं। देन का इस्तेमाल इन दैट केस वाले सेंटेंसेस में होता है। वी यूज देन विद इफ टू टॉक अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। यानी कि हम देन का इस्तेमाल अगर वाले ऐसे जुमलों में करते हैं जहाँ पे किसी चीज़ की नतीज या फिर असरात के जिक्र भी हो रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर तुम ये करोगे तो वैसा होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो वैसा होगा वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किताबों में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको ये किताब पसंद आएगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बुक्स देन यू विल लव दिस वन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको पसंद तब आनी है जब आपका इंटरेस्ट होगा किताबों में, तो अगर है तो फिर आपको ये किताब बहुत पसंद आनी है। अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो शायद पहली पोजीशन हासिल कर लो। इफ़ यू स्टडी हार्ड देन मे बी यू विल गेट फर्स्ट पोजीशन। अब यहाँ पे भी कह रहे हैं कि आपको मेहनत करनी होगी, अगर आप मेहनत करोगे तभी तो आप पहली पोजीशन लोगे। तो यही है इन दैट केस वाली सिचुएशन, यानी कि इफ़ वाली सिचुएशन, जहाँ पे इन दैट केस की जगह हम लोग देन वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा देन का चैप्टर ख़त्म होता है और टी एच ए एन देन का चैप्टर स्टार्ट होता है। देन जिसके उर्दू की मीनिंग है बनिस्बत, देन इज़ अ कंजक्शन, यानी कि ये एक हरूफ़ अत है। It's used to comparing something to something else. इसका इस्तेमाल मवाजने के लिए किया जाता है। Then, जिसके उर्दू के मीनिंग है बमुकाबले या फिर से, इसका इस्तेमाल बेसिकली कंपेरिजन के लिए होता है, यानी कि किसी का किसी चीज़ से मवाजना करना। अब चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई भी चीज़ हो, हम जब भी किसी का आपस में मवाजना कर रहे होते हैं दो चीज़ों का, तो तब हम अपने सेंटेंसेस में दैन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, अहमद अली से ज़्यादा होशियार है, अहमद इज़ स्मार्टर दैन अली। यानी कि यहाँ पर हम अली और अहमद का मुकाबला आपस में कंपेरिजन करते हुए बता रहे हैं कि अहमद जो है वो अली से बेहतरीन है या उससे ज़्यादा होशियार है। घर का खाना फास्ट फूड से ज़्यादा सेहत बख्श है। होम मेड फूड इज़ हेल्दियर दैन फास्ट फूड। अब यहाँ पे भी हम लोग घर के खाने और बाहर के खाने का आपस में मवाजना करते हुए बता रहे हैं कि घर का खाना बाहर के खाने से कई गुना सेहतमंद है। वो आपसे उम्र में बड़ा है, ही इज़ ओल्डर देन यू। अब यहाँ पे भी हम उम्र का मवाजना कर रहे हैं कि वो आपसे उम्र में बड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ का मवाजना हो, चाहे वो जहानत के तौर पे हो, चाहे वो किसी भी मामलात में हो, चाहे वो एज के मामले में हो, चाहे वो खूबसूरती के मामले में हो, बदसूरती के मामले में हो, किसी भी बारे में हो, तो ऐसी बातों का जिक्र करते हुए और मवाजना करते हुए हम टी एच ए एन देन का इस्तेमाल करते हैं। देन का इस्तेमाल मोर और लेस के साथ भी होता है। मोर और लेस के मीनिंग तो आपको पता ही होंगे, जायद और कम। तो जब हम अपने सेंटेंस में किसी चीज़ से किसी चीज़ की मवाजना करते हुए इसकी ज्यादती या फिर कमी का जिक्र कर रहे होते हैं, तो तब भी हम अपने सेंटेंसेस में देन का इस्तेमाल मोर या लेस के साथ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ डेफिनेशन में देख रहे हैं कि व्हेन यू आर सेइंग दैट अ पर्टिकुलर नंबर और अमाउंट इज़ अबव और बिलो अ सर्टन लेवल, यानी कि जब आप बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर या अमाउंट जो है वो ज़्यादा है या फिर कम है किसी लेवल से, यानी जिस खास बात से हम उसका मवाजना कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुजूम में 100 से ज़ायद लोग थे। There were more than 100 people. अब यहाँ पे 100 से ज़ायद थे, कितने थे वो हमें नहीं पता, लेकिन 100 से ज़ायद थे तो हमने कह दिया more than 100 people. उसे 8 घंटे से कम काम नहीं करना चाहिए था। She shouldn't have to work less than 8 hours. यानी कि उसे 8 घंटे तक का काम तो करना ही चाहिए था, तो उससे कम नहीं करना चाहिए था, तो हम उस बात का जिक्र करते हुए कह रहे हैं less than 8 hours.
यहाँ पे इस चैप्टर का इख्तिताम होता है। लास्ट में मैं शॉर्टली इसके स्टेटमेंट दे देती हूँ कि THAN दैन का इस्तेमाल हम अपने सेंटेंसेस में हमेशा मवाजने वाली बातों में ही करेंगे, यानी कि जहाँ भी मवाजने वाली बातों का जिक्र होगा वहाँ बहुत आराम से और बहुत कॉन्फिडेंट से आप THAN दैन का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पे वक्त से या वाकयात से मुतल्लिक बातों का जिक्र हो रहा होगा तो तब हम THEN दैन का इस्तेमाल करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों का इस कन्फ्यूजन को दूर करने में हेल्पफुल साबित हुई हो। तो अगर आप अभी तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।